हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग को पता है, जैसे आप ट्रिपल सी का रिजल्ट आ चुका है, तो उसका आप अगर आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों वीडियो एंड तक देखें। तो इसके लिए हमें अपने क्रोम ऐप पर जाना होगा। तो क्रोम ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सर्च बार पर टाइप करना है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। आपको सेम ऐसे टाइप करना है दोस्तों, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट डाउनलोड आपको ये टाइप कर देना है। ओके दोस्तों, जैसे ही आप ट्रिपल सी सर्टिफिकेट डाउनलोड क्लिक करें सर्च करेंगे तो आपके सामने टॉप पे वेबसाइट आएगी एक नाइलेट की। ओके दोस्तों, इसे आप ओपन कर देंगे नाइलेट सर्टिफिकेट। ओके, जैसा ही आप ओपन करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट फॉर नाइलेट एग्जामिनेशन, आपको डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों। ओके, तो इसे कैसे डाउनलोड करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखा रहे होंगे, रेगुलर सर्टिफिकेट और एक है मॉड्यूलर सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं रेगुलर में कौन कौन सा दिया हुआ है, ट्रिपल सी, बी डबल सी, ओके दोस्तों, ओ ए बी सी लेवल ये जो होते हैं, और मॉड्यूलर में ये ओ ए बी सी मॉड्यूल वाइज है ये। ओके दोस्तों, तो रेगुलर आप करेंगे, रेगुलर ट्रिपल सी किए हैं तो रेगुलर करेंगे। ओके दोस्तों, तो रेगुलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ट्रिपल सी के लिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम रेगुलर सेलेक्ट कर देते हैं ट्रिपल सी के लिए। ओके तो दोस्तों, आप वीडियो एंड तक देखें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि आपको नई वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। तो यहाँ पर हम रेगुलर सेलेक्ट कर दिए। आगे यहाँ पर हम कोर्स फॉर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ट्रिपल सी। तो यहाँ पर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है नीचे, इस पे आप सेलेक्ट कर देंगे ट्रिपल सी पे, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये देखिए आ गया सामने। ओके, सेकंड ऑप्शन पे आप ईयर ईयर आप सेलेक्ट कर देंगे जिस ईयर में आपने किया है। ये 2023 चल रहा है, 2023, तो इसमें 2023 आ चुका है। यहाँ पर आप मंथ देख सकते हैं, मंथ आप जिस मंथ में आप एग्ज़ाम दिए हैं उसी मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इसने जुलाई पे दिया है, ओके, तो जुलाई सेलेक्ट कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर आप रोल नंबर डालेंगे ये वाले ऑप्शन पे, तो जो आपका रोल नंबर हो उसे आप फिल कर लेंगे यहाँ पर। ओके, और रोल नंबर फिल करने के बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट डीओबी, यहाँ पर उसे डीओबी डालेंगे, और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर सामने यहाँ भर देंगे कैप्चा कोड पे। ओके, तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं, रोल नंबर हम फिल कर लेते हैं। क्या, और डेट ऑफ बर्थ आपको इसी सीक्वेंस में डालनी है, डेट पहले डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। ओके, जैसे लिखा हुआ है। और स्लैश लगाते जाना है, स्लैश लगा हुआ उसके आगे स्लैश लगा देना और डेट ऑफ बर्थ डाल देना पूरी। ओके, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे कैप्चा कोड डाल देते हैं आप। कैप्चा कोड डालने के बाद आप डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो वो सबमिट हो चुका है ऊपर वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वेरीफाई कोड बाई ईमेल और एसएमएस। तो यहाँ पर आपको कोड को वेरीफाई करना है ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू। जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा फॉर्म फिल करते वक्त, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो पहले हम यहाँ पर कैप्चा कोड को ये फिल कर लेंगे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है। कैप्चा कोड फिल हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे, उसके बाद सेंड सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे। ओके, अब सेंड एसएमएस पे आगे क्लिक करेंगे। ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ओटीपी आपके मोबाइल पे आ चुका है। ओके,
तो ये देखिए दोस्तों ओटीपी आ चुका है, और आपको ओटीपी यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड के आगे यहाँ पर फिल कर देना है ओटीपी को। ओके, और यहाँ पर आप देखिए आपका कैप्चा कोड है जो चेंज हो चुका है, आपको कैप्चा कोड फिर से फिल कर देना है ये वाला। ओके, कैप्चा कोड फिर से फिल कर देते हैं, क्योंकि कैप्चा कोड आपका मैच होना चाहिए तभी आपका पेज आगे ओपन होगा, सर्टिफिकेट तभी डाउनलोड होगा। तो जो ये वेरिफिकेशन वाला जो कोड है, ये गेट वेरिफिकेशन कोड कैप्चा, इसको आपको सेम फिल करना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम वैसे ही फिल कर देना है। इसके बाद आप डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएगी, रोल नंबर, फादर नेम, नेम, ये सब आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपने ग्रेड पाया है ग्रेड, वो आपको ग्रेड शो करेगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ से आपको नीचे आपको ऑप्शन आप दिखेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ आपका पीडीएफ फाइल में आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे वैसा ही डाउनलोड हो जाएगा वो। अब आप इसे ओपन करके देख भी सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं ये आ चुका है डाउनलोड कंप्लीट। ओके, पीडीएफ फाइल में ये सर्टिफिकेट आ चुका है। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।